Assalamualaikum students, it's our lecture number 1 of composition. Open your composition docket. First, we have the portion of essays. Open page number 2, essay, Health is Wealth. Write date and CW at the top of page number 2. Let's start reading. Health is wealth is a good proverb we hear from our elders. हेल्थ इज़ वेल्थ एक प्रोवर्ब है, मीन्स कहावत है जो हम अपने बड़ों से सुनते हैं, जिसे हम उर्दू में कहते हैं तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है. इट इज़ अ ग्रेट ब्लेसिंग ऑफ गॉड, ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है. वी अडॉप्ट मैनी डिवाइसेस टू मेंटेन आवर हेल्थ. हेयर द डिवाइसेस मीन प्लान्स, स्ट्रेटजीज और मैथड्स. हम बहुत से प्लान्स, स्ट्रेटजीज या मैथड्स अपनाते हैं ताकि हम अपनी हेल्थ मेंटेन कर सकें. फर्स्टली वी गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, से प्रेयर एंड गो आउट फॉर अ वॉक. हम सुबह सवेरे उठते हैं, नमाज पढ़ते हैं और फिर वॉक मींस चहलकदमी के लिए जाते हैं. वी इनहेल फ्रेश एयर, हम ताज़ा हवा इनहेल करते हैं. मॉर्निंग वॉक मेक्स अस एक्टिव, स्मार्ट एंड हेल्दी. सुबह की चहलकदमी हमें बहुत एक्टिव, स्मार्ट और हेल्दी मीन्स तंदुरुस्त बनाती है. सेकेंडली वी डू सम एक्सरसाइज और प्ले सम गेम विच मेक्स आवर मसल्स स्ट्रॉन्ग. हम एक्सरसाइज करते हैं, गेम्स खेलते हैं जो हमारे मसल्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं. गेम्स टीच अस द इम्पॉर्टेंट क्वालिटीज ऑफ डिसिप्लिन, सेल्फ कंट्रोल एंड स्पोर्ट्समैनशिप विच लीड टू गुड हेल्थ. गेम्स जो हैं वो हमें डिसिप्लिन सिखाते हैं. डिसिप्लिन मीन्स अदब, नज़्म व ज़ब्त. सेल्फ कंट्रोल सिखाते हैं. सेल्फ कंट्रोल ज़ब्ते नफ्स मीन्स खुद को कैसे कंट्रोल करना है, स्पेशली इन हार्श कंडीशन. स्पोर्ट्समैनशिप जिंदा दिली मीन्स फेयर एंड जेनरस बिहेवियर और शोइंग रिस्पेक्ट फॉर द रूल्स ऑफ द गेम एंड फॉर अदर प्लेयर्स एज वेल. सो गेम से हम ये सब इम्पॉर्टेंट क्वालिटीज सीखते हैं जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल हैं. थर्डली डेली बाथ कीप्स अवे डिजीज़, रोज़ाना नहाना बहुत सारी बीमारियों को दूर करता है. वी क्लीन आवर टीथ एंड टेक बाथ डेली, हम रोज़ाना अपने दांत साफ करते हैं, नहाते हैं. इट कीप्स अस फ्रेश एंड हेल्दी, ये हमें बहुत तरोताज़ा और सेहतमंद रखता है. Fourthly, we take our meals at regular time. हम वक्त पर अपना खाना खाते हैं. We should eat simple food. हमें simple food खाना चाहिए. We should not take too much food in one sitting. हमें एक ही बार में बहुत ज़्यादा खाना नहीं खाना चाहिए. Less food and more fruit at regular time. Never disturb our stomach. कम खाना और ज़्यादा fruit आपके स्टमक को कभी भी डिस्टर्ब नहीं करता या इससे आपका स्टमक कभी भी ख़राब नहीं होता. सिमिलरली क्लीन क्लोथ्स, क्लीन हैबिट्स एंड हाइजेनिक एनवायरनमेंट प्रोवाइड अस विद अ गुड एटमॉस्फेयर फॉर हेल्थ. इसी तरह साफ कपड़े, अच्छी आदतें और हाइजेनिक एनवायरनमेंट. हाइजेनिक एनवायरनमेंट कहते हैं जो सेहत बख्श माहौल होता है, ऐसा माहौल जो हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा हो. साफ़ सुथरा माहौल हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करते हैं. स्टूडेंट्स, देयर इज़ अ करेक्शन इन दिस एसे. सी सेकंड लास्ट लाइन, डिस्टर्ब आर्स. आर्स में अपोस्ट्रॉफी एस को आपने कट कर देना है. इसी के नीचे लास्ट लाइन में प्रोवाइड अपोस्ट्रॉफी एस राइट है, यहाँ से भी आप अपोस्ट्रॉफी एस कट कर देंगे. दैट्स इट फॉर टुडे. नोट डाउन योर होम टास्क, लर्न एंड राइट एसे हेल्थ इज़ वेल्थ इन द एआर. टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड अल्लाह हाफिज़.